ए सिंगल आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज बोथ नेटवर्क एंड यूनिक इंटरफेस ऑन दैट नेटवर्क. ए सबनेट मास्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज डॉटेड डेसिमल नोटेशन एंड डिटरमाइंस वेयर द नेटवर्क पार्ट ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड्स एंड होस्ट पोर्शन ऑफ द एड्रेस बिगिंस. ठीक है, अब देखो सबनेट मास्क क्या होता है. इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग सबनेट मास्क. ठीक है, जैसे मान लो एक क्लास ए का हमारे पास आईपी एड्रेस है. ठीक है, इस पोर्शन को जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन हमारा सबनेट मास्क है. मतलब नेटवर्क आईडी जैसे ही खत्म हुआ और हमारा होस्ट आईडी कंप्लीट होगा, तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो सबनेट मास्क होगा. ठीक है, मतलब जो मास्किंग यहाँ पे की जाती है वो इस प्रकार से पूरी की पूरी नेटवर्क आईडी से लेके होस्ट आईडी तक की जाती है. ठीक है, ठीक है, तो यहीं से आइडेंटिफाई होता है कि हमारा जो होस्ट है, मतलब वो होस्ट कितने यहाँ पे कनेक्ट होंगे. ओके, When expressed in binary, any bit set to 1 means the corresponding bit in the IP address is part of the network address. ठीक है, अगर हम लोग किसी भी एक बिट की बात करें तो जो फर्स्ट ऑक्टेट में जो बाइनरी बिट्स होंगे, ठीक है, तो वो नेटवर्क आईडी से स्टार्ट होगा. ऑल द बिट्स सेट टू 0 मार्क द करस्पॉन्डिंग बिट्स इन द आईपी एड्रेस एज अ पार्ट ऑफ द होस्ट एड्रेस. ठीक है, नेटवर्क आईडी स्टार्ट हो जाएगा, देन उसके बाद जब यहाँ पे सबनेट मास्किंग की जाएगी, उसके बाद जो होस्ट आईडी, मतलब होस्ट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे बिट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 पे सेट किए जाएंगे. The bits marking the subnet mask must be consecutive ones. Most subnet masks start with 255 and continue on until the network mask ends. A class C subnet masks would be 255.255.255.0. इस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है. तो subnet mask का means क्या होता है, जब भी किसी IP address को बनाया जाता है, ठीक है, IP address जब बनाया जाता है तब क्या होता है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा होता है होस्ट आईडी. तो दोनों को जब हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं तो जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट बिट जो होगा, मतलब जो फर्स्ट बाइट होगा यहाँ पे, उसको अलोकेट किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे जब भी हम लोग किसी भी आईपी एड्रेस को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी है, ठीक है, तो फर्स्ट बाइट जो है नेटवर्क आईडी को एलोकेट कर, मतलब स्टार्टिंग जो उसकी होगी वो हमेशा नेटवर्क आईडी से होगी. देन उसके बाद सेकंड बाइट से, अगर फर्स्ट बाइट से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है तो इसको स्टार्टिंग में 00 पे सेट किया जाता है. अगर हम लोग इसको हम लोग 255 पे सेट करते हैं तो जो बाइट 2 है उसको 0 पे सेट करना पड़ेगा, 3 को और 4 को 0 पे सेट करना पड़ेगा. मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 255 होगी, और यहाँ पे हम लोग 0 से लेके 255 तक वैल्यू ले सकते हैं. हम लोग को इसको 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, इसको हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे. 0 से स्टार्ट कभी नहीं होगा, ये हमेशा लाइक इस प्रकार का, अगर हम लोग फर्स्ट नेटवर्क बना रहे हैं तो 1.0.0.0 इस प्रकार से हम लोग स्टार्ट करेंगे. फिर उसके बाद ये 1 के बाद ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 255 तक जाएगा, ये भी 255 तक जाएगा, ये भी 255 तक जाएगा. तो इस प्रकार से यहाँ पे सबनेट मास्किंग की जाती है. मास्किंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ यहाँ पे मास्क वास्क चढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट होस्ट को यहाँ काउंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग उसकी नंबरिंग करते हैं, उसी को यहाँ पे बोलते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सबनेट मास्किंग. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान के चलो कोई भी हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं उसमें आईपी एड्रेस बनाएंगे. ठीक है,
आईपी एड्रेस मान के चलो कुछ भी होगा 168.122.1.0 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस में चार ऑक्टेट है, चार ऑक्टेट है इसमें, ठीक है। सबको डॉट से सेपरेट किया हुआ है। ये हुआ बाइट वन, बाइट टू, बाइट थ्री, बाइट फोर, ठीक है। बाइट वन, बाइट टू, बाइट थ्री, बाइट फोर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सबनेट मास्किंग करना है, ठीक है, तो उसको फर्स्ट ऑक्टेट को सबसे पहले पकड़ो। फर्स्ट ऑक्टेट अगर मान के चलो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं 168, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑक्टेट से ही डिसाइड होता है कि इसका नेटवर्क आईडी कितना बड़ा है। अगर ये क्लास ए में आता है, ठीक है, या फिर क्लास बी में आता है, क्लास सी में आता है, क्लास डी में आता है, जिसमें भी आएगा उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है। तो अगर मान के चलो ये क्लास ए है, तो क्लास ए के फर्स्ट ऑक्टेट के बाद, ठीक है, यहाँ से उसकी मास्किंग स्टार्ट होती है। मास्किंग मीन्स जब होस्ट कनेक्ट होते हैं तब, ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है ये मास्किंग पॉइंट होता है, ठीक है। मास्किंग मतलब ये नहीं होता कि कुछ और यहाँ पे कुछ हम लोग अलग से कुछ लगा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग जनरली जितने भी सिस्टम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग के गाड़ी का मीटर घूमते जाता है, ये साइड से मीटर घूमते जाता है, ठीक है। अगर हम लोग ने इस आईपी एड्रेस में हम लोग एक कंप्यूटर कनेक्ट किए, तो नेक्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, 168.122.1.1, ठीक है। फिर क्या होगा, नेक्स्ट अगर कनेक्ट करेंगे तो 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी होस्ट कनेक्ट होंगे, ठीक है, ये सारे क्या है, होस्ट है। होस्ट मतलब क्या होता है, कंप्यूटर्स, ठीक है। ये सारे होस्ट क्या होंगे, कनेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। सबके सब एक नेटवर्क में कैसे होंगे, सबके सब एक नेटवर्क में यहाँ पे कैसे होंगे, इस आईपी एड्रेस पे। यहाँ से एक 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 होस्ट कनेक्ट होते जाएगा, ये अप टू 255 तक जाएगा, ठीक है। जैसे 255 हो जाएगा, 256 तो नहीं आएगा क्योंकि जीरो से काउंट हो रहा है, ठीक है, 1.0 से आ रहा है। तो उसके बाद ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा 168.122.2.255, ठीक है। फिर ये 2 बढ़ेगा, फिर ये वापस से 0 पे सेट हो जाएगा, 168.122.2.0, ठीक है। फिर 2.1, 2.2, ठीक है, 2.3, इस प्रकार से ये बढ़ते जाता है। हम लोग चाहे तो इस सीक्वेंस में भी ले सकते हैं, हम लोग चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मान के चलो मैं ऐसे ले रहा हूँ 168.2.122.2.64, ऐसा ले लिया डायरेक्ट, ठीक है, जीरो के बाद डायरेक्ट 64 ले लिया। ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे इसी नेटवर्क आईडी में, ये हमारा नेटवर्क आईडी है 168 जो है हमारा नेटवर्क आईडी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग ने नेटवर्क कनेक्ट किया है, ये एक सीक्वेंस का अलग नेटवर्क हो सकता है, ये एक सीक्वेंस का अलग नेटवर्क हो सकता है, इस सीक्वेंस का अलग नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। मतलब होस्ट यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो 168 सीरीज में 122 नेटवर्क है, ठीक है। इस 122 नेटवर्क में दो छोटे छोटे नेटवर्क है, ठीक है। इस दो नेटवर्क में 64 कंप्यूटर्स कनेक्ट है, इसमें भी मान के चलो इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एड्रेसिंग की जाती है। तो इसी को, जो होस्ट यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, इसी को बोलते हैं सबनेट, ठीक है। सबनेट का मतलब होता है सब नेटवर्क, ठीक है। मतलब एक यहाँ नेटवर्क आईडी है, उस नेटवर्क आईडी के अंदर जितने भी होस्ट कनेक्ट होंगे, ठीक है, उसका एक नेटवर्क होता है, उसी को बोला जाता है सबनेट। और पूरे के पूरे इस मेथड को बोलते हैं सबनेट मास्क, ओके। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो जनरली 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला आता है क्लास ए, जिसके अंदर 4 ऑक्टेट्स होते हैं, बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4, ठीक है। और फर्स्ट जो बाइट होता है वो हमारा यहाँ पे नेटवर्क आईडी होता है, और जो बाकी के 3 जो होते हैं वो होस्ट आईडी होते हैं।
होस्ट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक नेटवर्क आईडी से इतने सारे होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, मीन्स 255 तक, यहाँ पे 255, 255 तक, तो इतने यहाँ पे होस्ट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। देन आता है क्लास बी। क्लास बी में बाइट वन और बाइट टू दोनों नेटवर्क आईडी होते हैं, और बाकी दो बच गए वो होस्ट आईडी होते हैं। क्लास सी में क्या होगा, बाइट वन, बाइट टू और बाइट थ्री तीनों क्या होंगे, नेटवर्क आईडी होंगे, और जो हमारा यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑक्टेट है वो होस्ट आईडी होगा। क्लास डी जो है मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए ये रिजर्व किया जाता है। मल्टीकास्ट एड्रेस मीन्स क्या होगा कि अगर हम लोग को कोई भी ऐसा ब्रॉडकास्टिंग करना है, ब्रॉडकास्टिंग मीन्स क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास डिवाइसेस होती है, लाइक यहाँ पे अगर हम लोग जनरल इसकी बात करें तो टीवी चैनल, ठीक है, टीवी चैनल जो होता है हमेशा सिंगल आईपी एड्रेस में वो उन लोग उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर होते हैं जैसे एयरटेल, जियो फाइबर, ठीक है, आजकल के जो इंटरनेट टीवी यूज करते हैं, ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं, वो आईपी एड्रेस को डायरेक्ट लेके एक्सेस करते हैं। मतलब उस चैनल में उसका आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस के थ्रू वो उस चैनल को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीकास्ट किया जाता है, मतलब एक ही आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठ के उस आईपी एड्रेस को हिट करोगे तो वो हम लोग को दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वो जनरली यहाँ पे मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज करके करते हैं, क्योंकि वो दूसरे कंटेंट से डिफरेंट कंटेंट है उसमें, इसीलिए। ठीक है, क्लास ई जो है, क्लास ई रिजर्व होता है बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए, लाइक मिलिट्री, ठीक है, आर्मी, ठीक है, इस टाइप से अलग टाइप से रिजर्व किया जाता है इसको। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्लास ए बी सी में से ही यूज करते हैं। ओके ओके, सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लास ए में। क्लास ए का लीडिंग बिट्स रहेगा 0, साइज ऑफ द नेटवर्क, नंबर बिट फील्ड क्या होगा, 8 बिट का होगा। ठीक है, मतलब ये बाइनरी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, साइज ऑफ रेस्ट बिट फील्ड 24। ठीक है, मतलब क्या होगा, इसका नेटवर्क आईडी जो होगा उसका 8 बिट का होगा, जो बाकी होगा 24 होगा। ठीक है, ये नेटवर्क आईडी है। ठीक है, नेटवर्क बिट फील्ड जो बोल रहे हैं नेटवर्क आईडी का है। ठीक है, बाकी जो होस्ट के लिए असाइन किया गया वो 24 बिट है। नंबर ऑफ नेटवर्क्स, कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग, 128 नेटवर्क्स बना सकते हैं यहाँ पे। 128 नेटवर्क हम लोग बना सकते हैं क्लास ए आईपी एड्रेस को यूज करके, 2 to the power 7। ठीक है, हमेशा ये 2 to the power में चलेगा, 2 to the power 7 में होगा। एड्रेसेस पर नेटवर्क 1677 एड्रेस हम लोग यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, जो कि 2 to the power 24 होता है। ओके, टोटल एड्रेसेस इन क्लास यहाँ पे 2147483648, इतना नंबर ऑफ क्लासेस, सॉरी एड्रेसेस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट एड्रेस क्या होगा इसका, 0000। ठीक है, एंड एड्रेस क्या होगा, 127। मीन्स यहाँ पे 0 से लेके 127 अगर हम लोग को फर्स्ट बाइट में अगर मिल रहा है तो वो कौन सा होगा, क्लास ए एड्रेस होगा, 0 to 127। ओके, ये रेंज होता है इसका। स्टार्ट क्या है, 0 है, और एंड क्या है, 127, और जो इसके लास्ट 3 बिट्स है वो 255, 255, 255 मैक्सिमम होंगे, 0 to 255। हम लोग इस फर्स्ट ऑक्टेट से ही डिसाइड करते हैं क्लास का। नेक्स्ट आते हैं क्लास बी में। अब यहाँ पे जो लीडिंग बिट्स है वो 10 है, और यहाँ पे जो साइज ऑफ द नेटवर्क बिट है वो 16 है, मतलब नेटवर्क आईडी 2 ऑक्टेट यहाँ पे ले रहा है। ओके, ऑक्टेट 1 और ऑक्टेट 2। ठीक है, और जो साइज ऑफ द रेस्ट फील्ड है वो 16 है, और यहाँ पे 1638 यहाँ पे हम लोग
नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं 2 to the power 14, इतने नेटवर्क हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। एड्रेसेस पर नेटवर्क कितने हो सकते हैं, 65536, 2 to the power 16। टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितने हो सकते हैं, 10737741824, 2 to the power 30। यहाँ पे 31 था, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया क्योंकि नेटवर्क आईडी यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 8 था, इसीलिए यहाँ पे कम हो गया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है, क्लास सी में डिक्रीज हो गया, क्लास डी में भी डिक्रीज हो गया, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा आईपी एड्रेस स्टार्ट कहाँ से होगा, 128.0.0.0, मतलब 128 से स्टार्ट हो रहा, कहाँ तक जा रहा है, 191 तक जा रहा है, ओके तो इसका रेंज क्या है, 128 to 191 स्टार्टिंग बिट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो क्लास बी टाइप का है। देन आते हैं क्लास सी में, क्लास सी में लीडिंग बिट्स जो होंगे 110 होंगे, और यहाँ पे जो 24 है वो 3 ऑक्टेट्स को मिला के बनाया जाएगा। देन इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द फील्ड है वो 8 है, मतलब 24 + 8 = 32, टोटल 32 बिट के हैं। यहाँ पे आईपी वर्जन 4 एड्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 to the power 21 नेटवर्क्स हो सकते हैं। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, जस्ट 2 to the power 7, 2 to the power 14, 2 to the power 21, इतने नेटवर्क्स हम लोग यहाँ पे क्लास सी एड्रेस में बना सकते हैं। और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा एड्रेसेस पर नेटवर्क, यहाँ पे 2 to the power 24 था, यहाँ 2 to the power 16 हो गया, यहाँ 2 to the power 8 हो गया, इतने एड्रेसेस पर नेटवर्क हम लोग दे सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा 536870912 to the power 29, ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस जो है स्टार्ट कहाँ से हो गया, यहाँ पे 191 में खत्म हो गया था, 192 से लेके कहाँ तक जाएगा, 223 तक जाएगा, तो ये रेंज हो गया इसका, 192 to 223। देन उसके बाद आता है क्लास डी, क्लास डी जो होगा वो 1110 तक होगा उसका लीडिंग बिट। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नेटवर्क आईडी जो है डिफाइन नहीं किया गया है, साइज ऑफ रेस्टफील्ड भी डिफाइन नहीं किया गया, ये सब डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा 224 से 239 तक, 224 से 239 तक, ओके तो ये इसका रेंज है। देन उसके बाद क्लास ई, क्लास ई में भी यहाँ पे 1111 कोई भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, इस टाइप से, और इसका जो रेंज होगा 240 से लेके 255 तक होगा। तो जनरली हम लोग इस रेंज को ही ध्यान में रखेंगे और इसी से हम लोग क्लास का जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आईपी एड्रेस क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई।